नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम जिस मूवी की समीक्षा करने वाले हैं उसका नाम है नक्काश। क्रिटिकली अक्लेम और इंटरनेशनल अवार्ड जीतने वाले फिल्म डायरेक्टर जैगम इमाम इस बार एक संवेदनशील मुद्दे पर फिल्म नक्काश लेके आए हैं, जो आपको इस समाज का आईना दिखाती है। नक्काश एक संवेदनशील सब्जेक्ट पर बनाई हुई फिल्म है, जो ये दर्शाती है कि आपके ना चाहते हुए भी कैसे आपका मजहब आपकी ज़िंदगी में दखल देता है और कैसे चंद स्वार्थी लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए मजहब की आड़ में अपना काम निकलवाते हैं। नक्काश में मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं इनामुलहक, शारिब हाशमी, कुमुद मिश्रा, पवन तिवारी, राजेश शर्मा और गुलकी जोशी ने। इसके निर्माता हैं जैगम इमाम और पवन गोयल। इसका निर्देशन किया है जैगम इमाम ने और इसकी कुल अवधि है 1 घंटा 44 मिनट। फिल्म की कहानी अल्लाह रखा के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक खानदानी कलाकार हैं और अपने पूर्वजों की तरह वो भी बनारस के एक मंदिर में नक्काशी का काम करते हैं। लेकिन उनके इस काम से ना तो हिंदू खुश हैं ना ही मुसलमान। इनफैक्ट मदरसे में उनके 10 साल के बेटे को पढ़ने भी नहीं दिया जाता है। इसके बावजूद अल्लाह रखा जो है वो उस मंदिर में काम करते हैं, क्योंकि मंदिर के जो पुजारी हैं वेदांत, उन्हें अल्लाह रखा की जो कला है उस पर पूर्ण भरोसा है। इसके साथ ही यहाँ पर एक इंस्पेक्टर है और अल्लाह रखा के खुद के बेटे हैं, वो भी नहीं चाहते कि उनके पिता मंदिर में काम करें। साथ ही इसमें अल्लाह रखा का एक जिगरी दोस्त है सलमान, वो उसकी मदद करना चाहता है लेकिन ना चाहते हुए वो अल्लाह रखा को परेशानी में डाल देता है। इनामुलहक अपने किरदार को काफ़ी ईमानदारी से निभाते हैं और यहाँ पे भी हमें ये बात देखने को मिलती है, लेकिन कई जगह पर उनकी परफॉर्मेंस ओवर द टॉप लगती है। शारिब हाशमी का जो कैरेक्टर है वो ग्रे शेड का है, लेकिन उन्हें अपने काम को बखूबी निभाया है। कुमुद मिश्रा जो वेदांत पंडित के रोल में हैं, वो पहले भी दर्शकों को कई फिल्मों में लुभा चुके हैं और यहाँ भी वो अपनी छाप छोड़ने में सफल रहे हैं। बाल कलाकार हरविंदर सिंह ने अपने रोल को बखूबी निभाया है और कई जगह पर वो अल्लाह रखा से काफ़ी सवाल पूछते हैं, जो हमारे समाज में हो रहे पक्षपात को भी बाहर लेके आते हैं और हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। नक्काश एक ऐसी कहानी है जो समाज के कड़वे सच को बिना हिचकिचाए आपके सामने रखती है और डायरेक्टर ने इसे बखूबी दर्शाया भी है इस फिल्म में। और ये फिल्म आज के टाइम के हिसाब से काफ़ी रेलेवेंट है और एक बोल्ड सच को सामने लेके आती है। फिल्म की गति काफ़ी धीमी है, जिससे दर्शकों को बोरियत महसूस होने लग जाती है। दरअसल अगर ये एक शॉर्ट फिल्म होती तो बेहतर होती, लेकिन इसे खींचकर 1 घंटे 44 मिनट की फुल फीचर फिल्म बनाया गया है, जिससे दर्शक जो हैं वो उससे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं बीच बीच में और ये दर्शकों को बोझिल लगने लग जाती है। तो ओवरऑल मैं इस फिल्म को दूंगा 2.5 out of 5 स्टार। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ वो आपके पास सबसे पहले अपडेट हो। जय हिंद, वंदे मातरम।